हेलो एवरीवन, और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका मैं और मेरा साथी में, मैं वरुण। मैंने देखी हीरोपंती 2 और स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता दे रहा हूँ, आई थिंक मेरे पैसे बर्बाद हो गए एक तरीके से। कहीं ना कहीं मुझे पता ही था कि ये बकवास है, बट स्टिल मैं जस्ट अपनी इंजॉयमेंट के लिए जा रहा था, बिकॉज ऐसे ही इतना सारा कुछ टेंशन चलता रहता है सबकी पर्सनल लाइफ में, तो मुझे लगा मे बी शायद से इस फिल्म को देख के मैं थोड़ा बहुत हंस भी लूंगा तो भाई एंटरटेनमेंट हो जाएगा। बट ये फिल्म एक्चुअली में हंसने लायक भी नहीं है। ये फिल्म सीरियसली बहुत ही एक्चुअली में ये स्टुपिडिटी है। इसके अंदर कुछ चीज़ों को दिखाने का, कुछ कैरेक्टराइजेशन को, खास करके तारा सुतारिया का कैरेक्टराइजेशन इतना स्टुपिडिटी है कि मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे समझ में आ रहा है कि नवाज ने सिर्फ आई गेस मे बी फॉर मॉनिटरी फंड्स के लिए उन्होंने ये काम किया, एंड टाइगर आई डोंट मैं नहीं जानता हूँ भाई कि वो ये फिल्म, पहली चीज़ तो ये क्या है, क्यों है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट मैंने कोशिश ये करी कि मैं बैक टू बैक एक और फिल्म देखूँ, और वो है बच्चन पांडे। मैं बहुत लेट हूँ इस चीज़ में, बट मेरा कॉन्वर्सेशन एक्चुअली में ये बेसिकली फिल्म रिव्यू नहीं है, हीरोपंती 2 का, बच्चन पांडे का। एक्चुअली में मैं जो आप लोगों से बात ये करना चाह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब जो बेसिकली क्रिएटर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, और खास करके जो प्रोड्यूसर हैं, जब उसको पता है कि ये इस तरीके की फिल्म है, कि इसके अंदर कोई भी सेंस नहीं है, कोई मतलब ये ऑडियंस की सिर्फ रोस्टिंग ही खाएगी, तब भी इस मतलब इस फिल्म को, इस कहानी को, और इस पूरे प्रोजेक्ट को पैसा कैसे सैंक्शन हो गया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और यही कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में, जैसे ही मैं मतलब बाहर देख के निकला, मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि क्या एग्जैक्टली है, मतलब ये है क्या, इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को पैसे कैसे सैंक्शन हो गए, कैसे इस प्रोजेक्ट को इसका बजट जो है वो अलॉट हो गया। मतलब कितने सारे डिजर्विंग फिल्म मेकर्स हैं जो तरसते हैं एक अपॉर्चुनिटी के लिए, चाहे, और सिर्फ बात लोगों को लगता है कि सिर्फ ये एक्टिंग का प्रॉब्लम है, भैया नेपोटिज्म या ये सब जो भी चीज़ें हैं या चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है, सिर्फ एक्टिंग के डिपार्टमेंट में नहीं है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी है, और उसी के साथ साथ डायरेक्शन डिपार्टमेंट में भी है। बहुत सारे और भी आर्टिस्टिक डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो किसी भी फिल्म को बनाने में जाते हैं, उसमें तक भी है। बहुत अच्छे खासे लोगों को बजट नहीं मिल पाता है, इनफैक्ट उनको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि प्रोड्यूसर्स से जाके मिल पाए। एंड इस तरीके के लोग इस तरीके की फिल्म बना रहे हैं और थिएटर में रिलीज कर रहे हैं, ये काफ़ी दिमाग थोड़ा सा मेरा हिला दिया है। मतलब क्या एग्जैक्टली सेंस है इस चीज़ को करने का? इस चीज़ को करने का कोई मकसद भी था, या बस ऐसे ही पैसे उड़ाने थे एंड किसी तरीके से कुछ काली कमाई जो है वो निकालनी थी पॉकेट से, तो चलो यही फिल्म बना देते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, इस चीज़ का एक रीज़न तो ये भी ज़रूर हो सकता है कि मे बी शायद से इन लोगों के पास कुछ सर्टन नंबर्स होंगे, जो मतलब सर्टन नंबर्स मतलब ऐसी ऑडियंस जो वाकई में इस तरीके की फिल्म देखती है हमारे देश में। वाह, मतलब अगर ये वाकई में सच है तो मेरा तो दिमाग यहीं पे हिल गया है कि मतलब ऐसी कौन सी ऑडियंस है जो इस तरीके का काम देखना चाहती। मतलब भाई, मतलब हाथ जोड़ के कहता हूँ, मतलब ये किस तरीके की ऑडियंस है भैया, मतलब मेरे समझ के बाहर है। दूसरा जो मुझे ये लगता है, मे बी ये जैसा भी मैंने पहले कहा कि मे बी जो भी मॉनेटरी फंड्स जो भी इकट्ठा होते होंगे, उसको बाहर निकालने के लिए इस तरीके की फिल्म्स बनाई जाती होंगी, बिकॉज आप इनका प्रोडक्शन देख लो यार, अच्छे खासे पैसे लगे हैं, और उससे भी स्टुपिडिटी ही बाहर आ रही है। कहानी का मुझे कुछ लेन देना नहीं है, मैं जस्ट एक ओवरऑल पूरा की बात कर रहा हूँ कि मतलब लोग इस वक्त लिटरली इस फिल्म को रोस्ट कर रहे हैं जो भी रिव्यूअर्स हैं, एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर यही आपको करना था तो ये मतलब किया क्यों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, और इस फिल्म को इस तरीके का मतलब कैसे प्रोड्यूसर्स को ये हो गया कि डायरेक्टर को और बाकी सबको, जो भी स्क्रिप्ट राइटर, उनको ये बजट अलॉट करें और ये फिल्म बनाने दें। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या वो वजह हो सकती है। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।